हेलो दोस्तों, कुकी तीजा में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे खाकर आप कचौरी समोसा तो बिल्कुल भूल ही जाओगे और एकदम खस्ता और परतदार। तो चलिए आज हम बनाएंगे आलू पेटीज की रेसिपी एकदम सिंपल और आसान तरीके से और बिना ओवन के। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आलू पेटीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। इसमें मैंने लिया एक कटोरी मैदा और इसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच नमक और एक चम्मच हम ऐड करेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को आप हाथों में इस तरीके से क्रश करते हुए इसमें ऐड कर दीजिए। अब हम इसको मसालों को मिक्स कर देते हैं ताकि नमक और जो अजवाइन है वो हमारे जो आटे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे दो चम्मच घी। तो मैंने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है, आप चाहें तो यहाँ पर तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से क्या है हमारी जो पेटीज हैं एकदम खस्ता बनेंगे। तो चलिए अब हम इसे इस तरीके से मिक्स कर देते हैं और अच्छी तरीके से हाथों से हम आटे में मिला देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए आटे को गूंदेंगे और आटे का हमें इस तरीके का डो तैयार करना है जिस तरीके से हम पूड़ियाँ बेलते हैं। हमें एकदम हार्ड भी नहीं करना है, एकदम नरम भी नहीं करना है। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको डो को अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो अच्छी तरीके से हम इस तरीके से मसलते जाएंगे इसको और देखिए हमारा आटा एकदम परफेक्ट तरीके से ये तैयार हो गया है। तो अब हम इसे क्या है 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इससे क्या ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दो बड़े चम्मच हम लेंगे मैदा और दो बड़े चम्मच हम यहाँ पर लेंगे घी। तो इसका हम क्या करेंगे, एक पेस्ट बनाएंगे। इसका मैं आपको आगे बताऊँगी इसका हमें यूज़ किस में करना है। तो यहाँ पर हम पहले इसको बना लेते हैं। तो इसमें हम इसको मिक्स कर देंगे थोड़ा सा और हमें एकदम ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, थोड़ा सा वैसा पेस्ट हमें बनाना है इसका, थोड़ा गाढ़ा सा। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी जिसका हम पेस्ट बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा पेस्ट बनकर एकदम रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई पहले से रख दी है। अब इसमें हमने एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है और अब इसको गर्म होने देंगे। अब इसमें देखिए तेल हमारे यहाँ गर्म हो गया, तो इसमें मैंने एक चम्मच राई, एक चम्मच जीरा, इसको तड़कने देते हैं थोड़ी देर। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड कटा हुआ प्याज और एक हरी मिर्ची। तो मैंने यहाँ पर एक प्याज यूज़ किया है और एक ही हरी मिर्ची का यूज़ किया है। तो अब हम इसे प्याज को इस तरीके से हम मसाले को भुनने देंगे। अब हम इसमें दो बड़े चम्मच मैंने स्वीट कॉर्न का यूज़ किया है। इससे क्या है हमारी जो पेटीज हैं उसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा इससे। तो इसे मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से मसालों को भुनने देंगे। अब यहाँ पर बॉईल किए हुए मैंने मटर लिए हैं एक कटोरी और अब हम इसमें ऐड करेंगे दो बॉईल किए हुए आलू। तो आप आलू को पहले से भी मैश कर सकते हैं या फिर बाद में आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बॉईल किए हुए आलू को इस तरीके से डाला है और उसको हम चमचे से इस तरीके से मैश कर देंगे। तो चलिए हम आलू को इस तरीके से इसमें मिक्स कर देते हैं और देखिए मैंने यहाँ पर इन आलू को सब्जियों को एकदम मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसालों में मैंने लिया है एक चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, एक चम्मच हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, एक चम्मच हम ऐड करेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर और एक चम्मच हम ऐड करेंगे यहाँ पर गरम मसाला। गरम मसाला आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने मसाला थोड़ा क्वांटिटी में कम रखे हैं, आप इस मसालों को थोड़े से क्वांटिटी में बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे डेढ़ चम्मच नमक। तो नमक मैंने यहाँ पर देखिए डेढ़ चम्मच नमक ऐड कर दिया है। हम इसे मिक्स कर देते हैं सब्जियों में नमक को। तो इस तरीके से हम मिला देंगे और तो हम दो तीन मिनट तक इस तरीके से चलाएंगे। यहाँ पर मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पर रखा है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जलेंगे भी नहीं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच चीनी। तो यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी का यूज़ नहीं किया है, नॉर्मल चीनी का यूज़ किया है। और अब हम इसमें आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। आप इस जगह पर अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या है हमारा मसाला है वो थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा खट्टा मीठे का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हम सारे मसाले को इस तरीके से मैश कर देते हैं। इससे क्या है हमारे जो पेटीज में हम अंदर डालेंगे तो वो काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो यह मसाला हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया यूज़ करेंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मसाला है वो एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी है। तो इसको हम ठंडा होने देते हैं। मैंने यहाँ पर गैस को ऑफ कर दिया है। अब हमारा जो आटा है वो एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है और एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो गया है। तो अब हम इसकी क्या है गोल गोल लोइयाँ बना लेते हैं, गोले। तो हम सब इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने रेडी कर चुकी हूँ। तो अब हम इसे क्या है बेलेंगे, जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हम बेलते जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने ये बेल लिया है। तो अब हम इसमें आप गिलास से या किसी कटोरी से छोटी से
आप इस तरीके से पूड़ियाँ काट लेना। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से पूड़ियाँ कट लिए हैं, तो आप एक प्लेट में इस तरीके से रख लीजिए और इसी प्रोसेस से हमें सारी लोइयों को बेलते जाना है। तो अब चलिए मैंने यहाँ पर सभी को रेडी कर लिया है। तो यहाँ हम एक पूड़ी लेंगे और इस पर जो हमने पेस्ट रेडी किया था उसको हम इस तरीके से इस पर लगाएंगे और इसके ऊपर हम दूसरी पूड़ी रखेंगे और उस पर भी इसी तरीके से हम इस पेस्ट को लगा देंगे और इसी तरीके से हम तीसरी पूड़ी रखेंगे और उस पर भी हम इस तरीके से पेस्ट लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं टोटल 4 पूड़ियों का यूज़ करूँगी। तो देखिए यहाँ पर अब हमें इस पर नहीं लगाना है, इस पर हम सिर्फ सूखे आटे का यूज़ करेंगे। इस तरीके से जब हम बनाएंगे ना तो हमारी जो पेटीज हैं वो परते वाली बनेंगी और काफ़ी टेस्टी भी और खस्ता भी बनेंगी। देखिए मैंने यहाँ पर सूखा आटे का यूज़ किया है और इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे। जिस तरीके से हम पूड़ियाँ बेलते हैं उसी तरीके से हम बेलते जाएंगे। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा छोटा या बड़ा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से बेल लिया है और एकदम छोटा भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो हमने जो अब मसाला ऐड किया बनाया था आलू का, उसको हम इसमें इस तरीके से ऐड कर देंगे और एक साइड में हम रखेंगे। तो इसको हम पहले मोड़ लेते हैं ताकि एक साइड आ जाता है और जो हमने पेस्ट रेडी किया था उसको हम चारों तरफ इस तरीके से लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब हम इन्हें फ्राई करेंगे ना पेटीज़ों को, तो ये खुलेंगी नहीं और हमारा जो मसाला है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से हम इसको मोड़ लेंगे और दबा देंगे। है ना एकदम आसान सा, झटपट से बन जाता है और हर कोई इसे आसानी से बना भी सकता है और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं और एकदम खस्ता खस्ता बनते हैं और बनाना भी काफ़ी आसान है। तो देखिए इसी तरीके से हम सभी पेटीज़ों को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी पेटीज तैयार हो गई है। तो मैंने यहाँ गैस पर देखिए तेल पहले से ही रख दिया था गर्म होने के लिए, तो हमारा ये तेल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें इस तरीके से पेटीज डाल देंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे नहीं पकाएंगे, इस तरीके से फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा, जितना हम मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे उतनी हमारी पेटीज़ें खस्ता बनेंगी। तो इस तरीके से अलटते पलटते हुए हमें सेक लेना है। तो देखिए हमारी ये पेटीज़ें फ्राई हो चुकी हैं एकदम। तो अब हम इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं और देखिए ऊपर से ये इसकी परतें अलग से ही दिखने लगी है और एकदम खस्ता रहती है और खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। मैं आपको इसको तोड़कर भी बताती हूँ कि एकदम खस्ता बनी हुई है और इनका मसाला है वो भी बाहर नहीं निकला है। तो देखिए एक तरह से ये एकदम खस्ता बनी हुई है, काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ कैसे भी खा सकते हैं और इसे आप आसानी से बना भी सकते हैं और इनका टेस्ट भी काफ़ी मज़ेदार लगता है। आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।